तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हिमाचल की खूबसूरत वादियों के बीच से मैं अनिश शर्मा चुका हूँ आप लोग के लिए एक और अनदर व्लॉग को लेकर। गाइस, मेरी ओर से आप सभी लोगों को हैप्पी छोटी दिवाली। आज है नवंबर 3 नवंबर, तो भाई आज है दिवाली छोटी वाली, कल है मेन दिवाली 4 नवंबर को। तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है आज भी। आज बहुत ज़्यादा वर्क करने को है, इतना ज़्यादा वर्क कि मैं आप लोग को बता ही नहीं सकता। फूल लाने हैं और लाइटनिंग करनी है और भी बहुत सारे काम है। तो फिर कल घूमने भी तो जाना है, फिर शाम को भाई मज़े भी तो करने हैं कल के दिन। तो इसीलिए आज ही हम सारा का सारा जो काम है काम निपटा देंगे। और अभी सुबह के बजे है 10, जो वेदर है वेदर आप लोग देख ही सकते हैं। वेदर यानी आसमान में हल्के हल्के से बादल है और बारिश हो सकती है या नहीं भी, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अपने काम तो आज पूरे करने ही करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। जितने भी फ्लावर्स है सारे के सारे मैंने निकाल दिया है अपने गार्डन से, और जो अच्छे अच्छे फ्लावर्स है वही मैंने निकाले हैं। बाकी फ्लावर्स को जैसे कि आप देख सकते हैं वो यहीं पर मैंने इसी में ही रखे हैं। बाकी अंदर की ओर जो फ्लावर्स है वो रख दिया है। अब इसकी मालाएं बनाएंगे, फिर उसके बाद जो घर है घर के खिड़की दरवाजे में इसे लगा देंगे, जैसे कि हमारा ट्रेडिशन। तो गाइस, जो फ्लावर्स है वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर रख दिए हैं। और वही अभी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है ना, पूरे के पूरे फ्लावर्स बनाने में सुई कहानी। तो गाइस, जो फ्लावर्स है फ्लावर मैंने सारे सारे इकट्ठे कर ही दिए थे, बट अब जो मालाएं बनाने के लिए सबसे ज़्यादा टफ काम मुझे लग रहा है वो लग रहा है ये धागा इस सुई के अंदर डालना। मुझे लगता है जो ये सुई है ना, सुई में थोड़ी सी ये धागा जो है ये मोटा हो गया, बट भाई मैं इतनी काफ़ी टाइम से जो मेहनत है ना वो कर रहा हूँ और भाई धागा सुई में जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अभी मुझे फ्लावर भी और लाने होंगे, मुझे लगता है ये फ्लावर्स कम है, बट यार जितनी मालाएं बनी है वो तो बन जाए। तो गाइस, जो हमारी लड़ियां हैं वो लग चुकी है, लाइटनिंग का जितना भी काम है वो करीब करीब ख़त्म हो चुका है। अभी जो मालाएं हैं वो मैं एक दो बनाने के लिए रही है, मैंने 5-6 मालाएं बना दी है, अभी एक दो और बनानी है। बाकी फूल भी मुझे और नहीं लाने पड़े, वही वाले फूल पूरे हो गए थे। और गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ शॉप की ओर, वहाँ से थोड़ा सा सामान लाना है शाम के लिए खाने के लिए भी। बाकी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, क्रैकर्स का कम से कम यूज़ करें दिवाली में, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है जैसे कि आप लोगों को पता है, इसलिए कम से कम यूज़ करें। हम भी कोशिश करें ना ही लाए तो अच्छा है, दिए जलाए, मिठाइयाँ खिलाए, खुशियाँ बांटे, बाकी हो सके तो कम करें पॉल्यूशन। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल शॉप की ओर। तो गाइस, अभी हो चुकी है बाहर रात, और जो मिठाई है दिवाली की मिठाई जो हमने चमचम लाई है वो देख सकते हैं आप लोग, ये आधा डब्बा खाली हो चुका है। जैसे ही ये पापा ने लाई वैसे ही भाई इस पर बिल्कुल टूट पड़े और पता भी लगा आधा डब्बा कैसे खाली होगा। आई होप आप लोग भी इसी तरह से मिठाइयाँ बांट रहे होगे, मिठाइयाँ खा रहे होगे परिवार के साथ, सभी के सभी लोग होंगे और प्यार बांट रहे होगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये व्लॉग वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलूँगा आपसे कल एक और वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय।